इंस्टा, आप सबका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो भाई फाइनली विकास भाई की फॉर्च्यूनर मॉडिफाई होके आ चुकी है, और जो लग रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट सही चीज़ के लिए हो गया क्या। गाड़ी एकदम निखर गई है भाई, सच में ऐसा दिल कर रहा है कि अपनी भी टी वी खोल खाल के भेज दिया जाए थाईलैंड, इतना बजट नहीं अपने पास। उसको पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया यार, इतना कार्बन फाइबर का जो फील आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बेसिक सा रहेगा, इतना कुछ खास नहीं होगा, बट लेकिन भाई जो अब दिख रहा है ना, सही में मतलब एकदम परफेक्ट टच, मतलब एकदम परफेक्टली डन किया हुआ है गाड़ी को। अभी तो वीडियो आप देखे होगी, इसके बाद में विकास भैया से वो वीडियो मिली हुई है, वहाँ से मैंने लिया हुआ वीडियो, तो भाई बहुत ही जबरदस्त है। पहले वीडियो देखो फिर बात करते हैं। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं गाड़ी में क्या मॉडिफिकेशन हुई। तो ये सेंट्रल कंसोल जो है पूरा कार्बन फाइबर हुआ है, इसके अंदर पूरा कार्बन रैप हुआ है, यहाँ पे स्टेयरिंग हुई है, वहाँ पे साइड में जो हुआ है एसी वेंट के बाजू में हुआ है, प्लस स्क्रीन के बाजू में छोटे छोटे ग्लाइड्स है वो। तो ये देखिए, ये अपना जो विंडो अनफोल्ड करने की बटन है वहाँ पे बैक डोर्स के पास में हुई है। देन उसके बाद में स्लाइटली राइटली आ जाएंगे तो एसी के बाजू का ये वेंट देख रहे हो, यहाँ पे जीआर का ये कार्बन फाइबर दिख रहा है। डैशबोर्ड में नीचे आते हैं तो स्क्रीन के बाजू के पैनल्स और ये नीचे के पैनल जो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, वो कार्बन फाइबर हुआ है। स्टेयरिंग कार्बन फाइबर में हुई है, जीआर की ब्रांडिंग के साथ तो सच में बहुत ही फेबुलस लग रही है यार। और ये पूरा व्यू मतलब टॉप नॉच, बड़ी टॉप नॉच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, मतलब विकास भैया के चैनल पर पूरी वीडियो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेसन विकास भाई आपको, मतलब सब चलो। और आपने जो भी बातें की पॉजिटिव बातें, सही है यार, लाइफ में जो हो गया एक्सीडेंट हो गया, उसको बात को पीछे डालो, कोई आपके बारे में उल्टा बोलेगा कोई अच्छा बोलेगा, दोनों तरफ से लोग मिलेंगे, जो भाई बुरा बोले उनका भी अपना व्यू था, जो भाई अच्छा बोले उनका भी अपना व्यू है। बट भाई हमें तो अल्टीमेटली लव गाड़ियों से था, जैसे एक्सयूवी हो, टीयूवी हो, उनकी अपनी जो भी थार चला रहे कुछ भी हो, तो ये जो एक्सपीरियंस वो लोग शेयर करते हैं वो रखते हैं, तो उससे समझ में आता है कि हाँ हम ये गाड़ी ओन कर सकते हैं और हम भी ये सब चीज़ें मॉडिफाई करवा सकते हैं। भी जो इंसिडेंट्स हुआ या जिस वजह से कुछ भी हुआ, हम लोग उनके ब्लॉग के पार्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वो जो भी शो करते हैं वो देखते हैं, उससे अब बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहा है, लाइक इस ब्लॉग के पहले भी उन चीज़ों को खरीदने के लिए उन्होंने कितना पैसा कैसे अरेंज किया होगा, इसके पहले उनके घर दूसरी भी गाड़ियाँ थी, क्या ब्लॉगिंग के पैसे आई नहीं आई,
सेल्फ से आई तो अपने को उसमें नहीं जाना चाहिए, अपने को बस कंटेंट से इंटरटेन हो रहना, बस उससे मतलब रखना चाहिए, जो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ब्लॉगर्स के हम लोग वीडियो देखते रहेंगे, आप भी देखते रहोगे स्टार्टिंग से, बाद में छोड़ देते हैं, रात गई बात गई सब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं, नहीं अच्छा लगता कंज्यूम बाहर हो जाते हैं, तो वो सब चलते रहता है। लेकिन भाई ये फॉर्च्यूनर सच में तोता है भाई, तोता एक नंबर। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, अब ये टॉपिक तो फाइनली ओवर हो गया।